हाय मैं नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में गाइस मेरे पास कुरियर हुआ है फ़ोन रेडमी 10S है, नोट 10S, जिसमें कि प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है गाइस इसकी, जो है वो कॉलिंग के टाइम पे स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, ना ही एयर स्पीकर, ना ही जो है वो बॉटम स्पीकर वर्क कर रहा है। और उसके अलावा इसमें जो प्रॉब्लम है वो कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आती है वो आपको पता है, मैंने भी वीडियो बनाई है और बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है, उसमें बताया है कि CPU से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ना गाइस CPU रिवॉल्विंग और पत्रा किस तरीके से कटिंग करना है, अगर CPU रिवॉल्व करते वक्त एक दो बॉल छूट जाता है तो वो बॉल कैसे बनाना है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने डिक्टोस पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बताई है। तो देखो इंटरेस्टिंग वीडियो है और अगर आप एंड तक देखोगे ना तो इस वीडियो में आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेगी जो एज ए टेक्नीशियन हमें फॉलो करनी चाहिए। अब इस पर कॉल करते हैं तो डायरेक्ट स्पीकर ऑन होता है, कोई भी आवाज़ जो है वो नहीं आती और इसका कैमरा जो है वो भी वर्क नहीं कर रहा है। आप देखो बैक कैमरा तो चल रहा है बट जैसे ही फ्रंट कैमरा ऑन करो तो फ़ोन जो है वो पूरी तरीके से हैंग हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा बताऊंगा कि डिक्टोस कैसे खोलना है, पत्रा कैसे कट करना है, कितना कट करना है, CPU कहाँ पर है, कैसे आपको निकालना है, कितना हीट रखना है। बस देखो हीटिंग का तो मैटर नहीं करता गाइस, क्योंकि आजकल की SMD जो इतनी अच्छी आ चुकी है कि उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से फ़ोन को डिसेबल करते हैं, पूरे फ़ोन को खोल लेता हूँ मैं। खोलने के बाद जो है ना यहाँ पे सारे स्क्रू को रिमूव करेंगे, बैक पैनल को मैंने ओपन कर लिया, मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि जितना नेसेसरी होगा, जितना ज़रूरी होगा वही पार्ट मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू है गाइज़। और उसी लिए जो है ना मैं अपनी वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप शॉर्ट वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोर्ड को निकाल दिया और इसका जो CPU है वो आपका यहाँ पर होता है इस जगह पे, तो इस जगह को हम जो है ना पत्रा कटर से जो है वो कट कर लेंगे। पत्रा कटर से कट करने के बाद जो है ना इस पत्रे को हम निकालेंगे। पत्रे को कैसे निकालना है, देखो पत्रा कटर से हम उतना ही पार्ट कट करेंगे क्योंकि आजकल के बोर्ड की क्वालिटी जो है वो एकदम ख़राब है। अगर आप ज़रा सा उससे जो है ना मतलब ज़्यादा कोशिश करोगे तो प्रिंट निकल जाता है। इस वीडियो में भी आपका जो कितना प्रिंट निकलना है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा, क्योंकि इस बोर्ड का भी प्रिंट जो है वो निकला हुआ है। ठीक है, तो शील्ड को हमने फटाफट से कट कर लिया, निकाल लिया, और निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस बोर्ड पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप के नीचे, देखो जब भी आपको पत्रा कट जाए ना तो आपको पहले देखना है कि भाई जो पॉइंट IC के अंदर जा रहे वो कहीं ना कटे हों, क्योंकि ग्राउंड निकला हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट लेयर में ज़्यादातर ग्राउंड होते हैं, देखो सेकेंड लेयर की जितनी भी लाइनें हैं आपको ध्यान से देखनी है कि कोई डैमेज तो नहीं है, क्योंकि अगर सेकेंड लेयर की डैमेज होगी ना, यहाँ पे आप देखो ये सब लाइनें ना नॉर्मली हो जाती है बहुत सारे टेक्नीशियन से, तो इन पर आपको फोकस बिठा के रखना है। अब हमारा यहाँ पे सेफली मतलब प्रिंट तो डैमेज हुआ है बट कोई भी जो प्रिंट है वो काम का जो है वो नहीं डैमेज हुआ है। ठीक है, ग्राउंड ही डैमेज हुआ, तो अब CPU को निकालेंगे। CPU को निकालते वक्त मैंने अभी जो है वो टेम्परेचर रखा है वो 380 रखा है मेरे काड़ा की SMD में, और उसके बाद यहाँ पे मैं हिट करके जो है वो पोजीशन कर रहा हूँ। वेट करना है, पेशेंस रखना है आपको, IC जब पूरी मेल्ट हो जाए, पेस्ट जो है वो पूरा मेल्ट हो जाए, जब तक IC के नीचे ना जाए तब तक आपको जो है ना वेट करना है। जब आप साइड पर ये चेक करते रहो, अगर ये ग्लू गल रहा है तो फिर आपको जो है ना ये IC ओपनर जो है वो अंदर डालना है और आराम से डालना है, धीरे धीरे करके। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से डालोगे तो अंदर ट्रैक डैमेज हो सकता है, और ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है एज़ अ प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें बहुत इजी है काम करना और अभी तक सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी आई है। मैंने लगभग 25 से ज़्यादा हैंडसेट जो है वो कर चुका हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अगर आप भी बिगनर हैं और स्टार्ट मतलब कोशिश करना चाहते हैं रिवॉल्विंग के लिए तो ये फ़ोन बेस्ट ऑप्शन है। और इस फ़ोन में कॉमन प्रॉब्लम आती ही है, तो आप CPU सही से निकाल या लगा पा रहे हो या नहीं ये जानने के लिए आपको इस फ़ोन पे प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, काफ़ी इजी वे है। इस तरीके से आपको पूरा जो है ना वो क्लीन करना है, क्योंकि इसका ग्लू जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है और वाइट ग्लू के जैसा होता है, वैसे तो ब्लैक पेस्टेड है बट वाइट जैसे सॉफ्ट होता है, तो उस तरीके से जो है ना बहुत ईजी हो जाता है रिवॉल्विंग करना दिखाना। ठीक है,
तो यहाँ पे हम इसको पूरा क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए जो मेथड मैं बता रहा हूँ आपको इसी मेथड से यूज़ करना है, सेफ है। बाकी आप अपना ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से आप करते हो, अगर आप उस तरीके से करोगे तो भी जो है ना हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने पूरा क्लीन कर लिया, तो अब जो इसको क्लीन करेंगे, क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैं आईपी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आईपी है, आप भी यूज़ करना। स्ट्रॉन्ग आईपी से क्या होता है, ग्लू और सॉफ्ट होते हैं, और फिर आप इस तरीके से जो है ना जो भी साइड कॉर्नर है उसको आपको ये शोल्डर से जो है वो टेम्परेचर रखना है 350 है शायद, 350 के हिसाब से मैंने रखा है। और उसके बाद जो है ना मैं इसे पूरा क्लीन कर रहा हूँ। ज़्यादा रखोगे ना गैस तो ये ट्रैक जो है वो निकल जाते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको एकदम सॉफ्ट मतलब 350-320 के आसपास रखना है, और वहाँ पे जो है ना इस तरीके। बाकी आप नॉर्मली 25 वॉट के शोल्डर से भी कर सकते हो, आपके हैंड स्किल अच्छी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग को CPU रिबॉलिंग के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो मुझे बताना, क्योंकि मैं ना बड़ी बड़ी वीडियोस इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि उसमें टाइम कंजप्शन ज़्यादा होता है, लॉन्ग वीडियोस होती है। इसीलिए मेरा मानना होता है कि जो बेस्ट ट्रिक्स टिप्स है वही शेयर करो यूट्यूब पे, ठीक है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ, जो कि अगर आप अपने काम में यूज़ करोगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर होगा। यहाँ पर हमने पूरा बोर्ड को अच्छी तरीके से क्लीन किया है, देखो अभी इसको क्लीन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो अच्छी तरीके से पूरा क्लीन हो चुका है, उसके बाद जो है ना हम आईसी पे आएंगे, आईसी को क्लीन करेंगे। आईसी को क्लीन करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि देखो ये एकदम सॉफ्ट ग्लू होता है, तो आपको ऐसे हल्के हाथों से रफ़ करना है। आपके शोल्डर का टेम्परेचर जो है वो 350 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपने शोल्डर का टेम्परेचर उतना ही रखा है। पेस्ट लगाएंगे, हल्का हल्का आप रफ करोगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, क्योंकि इसकी लेयर जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर की है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था ग्रीन कलर वाली लेयर जो है वो बहुत जल्दी निकल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको एकदम हल्के हाथों, जिसमें ब्लैक हो या गोल्डन हो तो उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब आप रफ़ करो ठीक है, लेकिन जिसमें ग्रीन होता है ना ये आईसी बहुत जल्दी प्रिंट छोड़ती है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखो पूरा ग्लू निकल गया। अब फिर हल्के हाथ से जो है जो बचा हुआ ग्लू है वो भी निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ग्लू निकालने के बाद इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइस कि कौन से पॉइंट को आपको देखना होता है, क्योंकि नॉर्मली रिबॉलिंग करके भी लगाने से कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपका ये पॉइंट जो है जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आप उस पॉइंट पे फोकस बिठा के रखोगे तो शायद आपको जो है ना वो प्रॉब्लम ना आए, कि रिबॉलिंग करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व ना हो, तो ठीक है। तो यहाँ पर अभी पूरा ग्लू निकल गया, बोर्ड पर शाइनिंग लाने के लिए मैं थोड़ा सा जो है ना इसको वो करता हूँ, उसके बाद क्लीन कर लेता हूँ कॉटन से। कॉटन से क्लीन करने के बाद मैं आईसी को आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर रहा हूँ, ये कॉटन जो है आपका माइक्रोस्कोप के रिकॉर्डिंग में नहीं आया है, ठीक है। अब ये क्लीन हो चुका है, सारे बॉल जो है वो शाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टेंसिल पर सेट करना है। स्टेंसिल पर सेट करने के बाद जो है ना आपको कुछ चीज़ें देखनी होती है, मैं स्टेंसिल पर सेट करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्टेंसिल पे यहाँ पे सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद आप देखो बहुत सारे बॉल जो है वो शाइन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बॉल जो है वो शाइन नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत सारे डॉट्स दिखेंगे। तो इन डॉट्स पे ना आपको स्क्रैच लाना है, क्यों, कभी कभी आपका स्टेंसिल में भी कचरा होता है, तो वो भी आपको देख लेना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके स्टेंसिल में कोई कचरा नहीं है, तो जितने भी बॉल हैं उन पर आपको ना सुई की मदद से, या फिर आप ये जो है ब्लेड है 11 नंबर का, इस ब्लेड से जो है ना आपको वो पॉइंट पे जो है ना स्क्रैचेस करने हैं, क्योंकि ये पॉइंट अगर ड्राई रहेंगे तो शायद है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही बॉलिंग के बाद, शायद। मैं यहाँ पे शायद वर्ड यूज़ कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये जो है ना ये बॉल नहीं बनेंगे, तो इसीलिए आपको उन पॉइंट को याद करना है, उसकी मार्क करना है, उसके बाद उसको अच्छे से स्क्रैच करना है। यहाँ पर थोड़ा ग्लू लगा है उसको भी निकाल लेता हूँ मैं। तो मैंने देखिए जो पॉइंट थे वो उनको मैंने शाइन किया है। यहाँ पर शाइन करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ, देखो शाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है वो पूरा रफली कर दिया, और रफली करने के बाद देखो ये रफ हो गया पूरा। रफ होने के बाद जो है ना अब फिर से स्टेंसिल को सेट करेंगे। स्टेंसिल को सेट करने के बाद जो है ना हम इसमें PPD भरेंगे, क्योंकि अभी सारे बॉल्स मेरे लगभग ऑलमोस्ट ठीक है, जितने डैमेज थे वो मैंने स्क्रैचेस किए हैं, ठीक है। अब PPD को ड्राई करके भरना है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ड्राई कर लोगे, देखो ड्राई हल्का करना होता है, अगर आप ज़्यादा ड्राई करोगे ना तो आपके बॉल स्टेंसिल पे ही चिपक जाएंगे, बोर्ड पे चिपकेंगे ही नहीं, ठीक है।
तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और स्क्रैचेस वाले पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर एक दो बॉल, 10 बॉल आपके छूट भी जाते हैं तो आप कैपेबल हो उन बॉलों को बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए एक ट्रिक होती है जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको ये सारे बॉल्स पे आप देखो कुछ स्टिक हुए हैं कुछ नहीं हुए, फिर पीपीडी भरेंगे और फिर से जो है ना हिट करेंगे, तो जो जगह खाली होती है ना उनमें फिर पीपीडी जो है वो भर जाती है। हिट करने के बाद जो है ना आप फिर से रिबॉलिंग करोगे तो वो बॉल प्रॉपरली स्टिक हो जाता है। स्टिक होने के बाद जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो पूरा स्टिक हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप चाहो तो ये वाला कर सकते हो, अदरवाइज मत भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो है ना देखो यहाँ पे रिबॉलिंग आपकी जो है वो परफेक्ट हुई है। कुछ बॉल्स आपको जो है वो यहाँ पे चपटे हैं क्योंकि वहाँ ट्वीज़र रखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वीडियो की स्पीड बढ़ाई जाती है ना गाइस, क्योंकि 30 FPS पे रिकॉर्ड होता है, बाद में वीडियो को प्रोसेसिंग में 2x लगाया जाता है 60 FPS, तो कुछ पार्ट जो है वो शूट में नहीं आते हैं क्योंकि कट जाते हैं, ठीक है। जो एडिटिंग करता होगा उन्हें पता होगा कि बहुत सारे क्लिप जो पॉइंट्स होते हैं ना वही कट जाते हैं, और वो हमारे हाथ में है नहीं कि कौन सा रखना है कौन सा निकालना है, क्योंकि मैं उतना प्रोफेशनल एडिटिंग तो करता नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉल हमारा जो है वो छूटा हुआ था, तो क्या करेंगे, पेस्ट रखेंगे, एक बॉल, दो बॉल, 10 बॉल आपके छूट गए, आपको इसी तरीके से रखना है। फिर आपका शोल्डर लेना है, इसका टेम्परेचर 400 के आसपास रखना, आईसी को उसके ऊपर एक जगह पे रखना नहीं, हल्का हल्का उसके ऊपर देखो हिलाते रहना है। हिलाने के बाद आप देखोगे कि वो बॉल ऑटोमेटिक जो है वो पोजिशन ले लेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरा बॉल जो है वो पोजीशन ले लिया और जो ट्वीज़र के मार्क थे वो भी चले गए, तो आईसी एकदम परफेक्टली सारे बॉल जो है वो प्रॉपर बने हुए हैं, आप देख सकते हो वीडियो में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये टिप्स है जिसके अकॉर्डिंग आप एक दो बॉल छूट भी जाते हैं, 4-5 बॉल, तो आप उसको अच्छे से बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं आईसी को अच्छे से जो है ना क्लीन नहीं करता गाइस, लेकिन अगर आप चाहो तो आप क्लीन कर लो, मैं क्या करता हूँ ऐसे ही लगाता हूँ। तो देखो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, पोजीशन करूँगा मैं आईसी को, पोजीशन सही है या नहीं है वो देखने के लिए ना जब आईसी को आप रख लो तो आप हल्का सा ऐसे जब पिंच करोगे ना तो वो आईसी जब बॉल टू बॉल टच रहेगी ना तो वो मूवमेंट नहीं करेगी, एकदम हल्का सा पिंच करना, और अगर वो साइड में रहेगी ना तो वो मूवमेंट करेगी, डग करेगी, तो आपको ये देखना होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे आईसी की पोजीशनिंग को सेट किया, और सेट करने के बाद मैं आईसी को पलटी मारूँगा। पलटी मारने के बाद जो साइड में क्रॉस बॉल्स हैं वो भी आप मिला सकते हो क्रॉस पॉइंट को। अब देखो ये हमने पोजीशन किया, क्रॉस पॉइंट को मिलाया, अब यहाँ पे ये आईसी जब जाम हो गई ना, देखो ये हिलनी नहीं चाहिए, जब ये हिलेगी तो इसका मतलब अगर इसमें डग भी है या हिलेगी तो भी आपका रिबॉलिंग सही नहीं हुआ है या फिर आपने पोजीशनिंग सही नहीं की है, ये दो पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पोजीशन को बना लिया है और अब मेरी आईसी जो है ना एकदम स्टिक थी, डग नहीं कर रही थी, तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे हिट दिया। जब मैं हिट दूंगा ना गाइस, तो जो पेस्ट हमने शुरू में आईसी पे छोड़ा था वो पेस्ट आपको साइड में दिखेंगे, तो जब साइड में आपको दिखने लगे, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लोअर को हिला डुला रहा हूँ, उसके बाद जब वो साइड में आपको दिखने लगेंगे ना तो ये आपको देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो साइड में आ रहे हैं अभी, ठीक है, अब साइड में आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा आईसी को जो है ना वो पिंच करूँगा मैं। पिंच करने के बाद जो है ना जब मैं पिंच करूँगा, अगर आईसी ने मोमेंट किया तो इट मीन कि वो सेट है प्रॉपर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी सारे साइड से सारे जो पेस्ट थे वो निकले, अब मैं यहाँ पर पिंच करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस से रखना है। ये देखो पिंच किया मैंने, देखो आईसी हिल रही है, ठीक है। तो ये सेम सिचुएशन आपके साथ भी होनी चाहिए, यहाँ से भी आपकी आईसी हिल रही है, यहाँ से भी आपकी आईसी हिल रही है, तो इट मीन कि आपकी आईसी जो है वो प्रॉपर लग चुकी है। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, फिर जो है ना आपको इसको क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद जो है ना हम चेक करेंगे कि हमारी रिबॉलिंग सक्सेसफुल है या नहीं है, हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया ना गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन पॉइंटों पर जो है ना, जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, इन पॉइंट के बिहाव पे आप अपना प्रिपरेशन तैयार कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आपको रिजल्ट जो है वो मिलेगा। यहाँ पे वीडियो को मैंने काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है हमारी वो सॉल्व हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सारे कैमरा सेटअप करके, क्योंकि फ्रंट कैमरा हमें हमारा ऑन है या नहीं वो चेक करने के लिए हमें जो है वो पूरा कैमरा जो है वो सेट करना होगा। तो आपको जो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स थी गाइस, अगर वो अच्छी लगी और उसके अलावा आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर देखने को मिले,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा। जो लोग भी मुझे मोबाइल सेंड करने के लिए कमेंट कर रहे हैं गाइज, तो वो पहले मुझे प्रॉब्लम बताएंगे। मेरे कैप देखो, मैं उतना बड़ा भी टेक्नीशियन नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हूँ, अगर आप का फॉल्ट मुझे लगेगा कि हाँ मैंने किया है या मैं कर सकता हूँ, तो मैं वो फ़ोन को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी आप कमेंट करो ना करो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जिन लोग को लगता है वो मुझे मेरा नंबर निकाल सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो आपको वीडियोस में भी मिल जाएगा, बाकी मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, वो सब जगहों पे आपको देखने को मिल जाता है। तो वहाँ से भी आप मेरा नंबर ले सकते हो, और नंबर लेने के बाद आप मुझे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताओ। फ़ोन की प्रॉब्लम आपने कहाँ कहाँ पे दिखाया, वो सब चीज़ें जब आप बताओगे, या फिर एज अ टेक्नीशियन भी कुछ लोग भेजना चाहते हैं तो वो भी मुझे जब प्रॉब्लम बताएंगे तो ही मैं फ़ोन को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ, वो सॉल्व हो चुकी है और फ़ोन को हम प्रॉपरली जो है वो सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो आप प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करते रहता हूँ, जिससे आप कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है, पूरा प्रॉपर सेटअप कर लेता हूँ। सेटअप करने के बाद जो है ना, मैं आपको एक बार और चेक करके दिखाऊंगा। तो सारे स्क्रूज़ को टाइट कर लेंगे, सारे स्क्रूज़ को टाइट करने के बाद यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे, ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद फ़ोन को सेट कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग चले जाएंगे यहाँ से वीडियो को देख के, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। अगर जो लोग यहाँ तक देखे हैं ना, तो मुझे लगता है उनको लास्ट तक देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको हमारे लिए भी करनी चाहिए। अगर यहाँ तक वीडियोज़ को आप देख रहे हो तो जैसे आपका काम, उसमें क्या होता है आपका एक ये दिखता है ना कि जैसे काम निकल गया वैसे सामने वाले को भूल जाना, ठीक है। तो वो गलत बात है मेरे अकॉर्डिंग। क्या होता है, काम निकलने के बाद भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि मैंने अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए और वीडियो आप पूरी देखोगे तो हो सक, देखो टाइम इम्पॉर्टेंट है, आप टाइम ख़राब मत करो, लेकिन जब फ्री टाइम हो तो आप जो है वो वीडियो को ज़रूर देखो, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो।